इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो हज़ार चार की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पी एर ने कॉम्फमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम टॉमसन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक एलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एबेड एबेलार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है वितरित किया गया फोकस सुविधाएँ रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक सौ आठ मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट बीस मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर सेवेंटी फोर मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द माइंस माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नीस मार्च दो हजार चार को रिलीज किया गया था जिससे समीक्षा और सदस्य सा, सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो, गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और कोरी और विस्लेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका क्लेमे क्लेमेटाइनस क्रूविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रोविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद न रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकी स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होती है जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रस, प्रक्षेपण से पता चलता है कि जो उसे उन यादों को में छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हावार्ड से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हावार्ड की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोएल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बेरिस बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि केट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसीकी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मेरी मैरीवोवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रोब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्ज मर्जविया के रूप में डिएट्रिक हालिसन ने किरदार निभाया थॉमस रयानफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिश के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पोपसहू ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की स्पष्ट स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और बिस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे 12 जून सन उन्नीस सौ अट्ठानवे को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ। ऑफ द एं। एंजर्स एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन ना, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इर, इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे क्रि, स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहले सही मिटाई गई यादों को सुन संद कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के रिव्यूज़ इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल है दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह की कविता एलोसा टू एब एबार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएँ रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंस माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षा और सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक गो गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जोएल एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइम्स क्रूविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद न रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्ड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड़ से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुम्बन करते हुए हवाड़ की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावर्ड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती है और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर, दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया है जोयल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया कि कैट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरीवोवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जिविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हॉवर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभायान ने किरदारे रनफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिश के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पोपसहू ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी विस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की उपस्थित स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ। ऑफ द एं। एंजर्स एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन ना, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलू को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई गई यादों को सुन संद भ्रमित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे बिरमपत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलिक्सन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एब एबार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्रकृति का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेखा कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नीस मार्च दो को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षाओं सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो, गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और कोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका क्लेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती और तकनीकीशियन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को में छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवार्ड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जो एल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोफ में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोहटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हाव से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हावार्ड की पत्नी आती है और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावर्ड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती है और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोएल जागता है और क्लेमेंटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मो, मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेंटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर घर ले जाता है और पैट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टैप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग लग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि केट विंसलैंड ने के क्लेमिटिंग क्रंजुसिकी के रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरी इसवोलवो इस इस के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली यहाक वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंसन हॉवर्ड्स लेकुना ने जेन एडम्स ने रोब एक्किन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्जविया के रूप में डिएट्रिक डिएटरिकलेन ने किरदार निभाया थॉमस रयान फ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के में एलेन के के रूप रूप में में जोएल किरदार निभाया और विकास में उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे स्मथ के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पॉप समूह ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी बिस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल, बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्रिस से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और बिस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगोंडा फिल्म के सीन गोलिन में इसे 12 जून सन उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एंजर एंजर्स माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक मैं परिवन ना, परिवन मैं में कई बार परिवर्तन हुए और परिवर्ण परिणाम कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इर, इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे क्र, स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई की यादों को संद्रमित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के रिव्यूज इंटरनल नल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोड्री द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैरी केर, और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे ए ने कॉम्फमैन और गोड्री के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलिक्सन शामिल हैं। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक एलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह की कविता एलोसा टू एबेलार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है वितरित किया गया फोकस सुविधाएँ रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम एक सौ आठ मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट बीस मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर सेवेंटी फोर मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द माइंस माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्नीस मार्च दो हजार चार को रिलीज किया गया था जिससे समीक्षा और सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो गोड्री के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और कोरी और विस्लेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइम्स क्रूविंजिस्किन ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रोविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद न रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकी स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होती है जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जो उसे उन यादों को में छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्ड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हावार्ड से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हावार्ड की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोएल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बेरिस बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि केट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसीकी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मेरी मैरीवोवो Swo के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रॉब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्ज मर्जविया के रूप में डिएट्रिक हालिसिन ने किरदार निभाया थॉमस फ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिस के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पोपसहू ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी बिस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की स्पष्ट स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और बिस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे 12 जून सन उन्नीस सौ अट्ठानवे को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ, ऑफ द एंजर्स एंजर माइंड ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और परि ना, परिणाम कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इर, इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे क्रि, स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहले ही मिटाई गई यादों को सुन संद कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टोरी इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीएर ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल है दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह की कविता एलोसा टू एब एबार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेख्या कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाए रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने एक 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षाओं सड़क से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो, गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जोएल ब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइम्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद न रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोयल्स उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्ड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोहटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड़ से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हवाड़ की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावर्ड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती है और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पैट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया कि कैट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरीवोवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जिविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हॉवर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभायान ने किरदारे रनफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिश के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी बिसमुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की उपस्थित स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ। ऑफ एं। एंजर्स एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलों को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई गई यादों को सुन संद भ्रमित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे बिरमपत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलिक्सन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक एलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एबेड का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्रकृति का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेखा कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षा और सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो गोड्री के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और कोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जोएल ब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को में छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवाड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोएल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड़ से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हवाड़ की पत्ती आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बेरिस बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि केट विंसलैंड ने क्लेमिटिंग क्रंजुसीकी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरीवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रोब एक्न के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभायान ने किरदार निभा रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिश के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पॉप समूह ओई ओई में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी विस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की उपस्थित स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के फिन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ। ऑफ एंजर्स माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहले सही मिटाई गई यादों को सुन संदर्भित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लैंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लैंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोड्री के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल है दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एबेड एबेलार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक केयर रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैन द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षाओं उस सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद न रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होती है जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल्स उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेंटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोहटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हावार्ड से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हावार्ड की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोएल जागता है और क्लेमटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि केट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसीकी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मेरी मैरीवोवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जीविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रॉब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्ज मर्जविया के रूप में डिएट्रिक हालिसिन ने किरदार निभाया थॉमस रयानफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिस के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पोपसहू ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की स्पष्ट स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और बिस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे 12 जून सन उन्नीस सौ अट्ठानवे को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ, ऑफ द एंजर्स एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और ना, कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इर, इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे क्रि, स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहले सही मिटाई गई यादों को संद कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के रिव्यूज़ इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल है दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह की कविता एलोसा टू एब एबिलाड़ का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएँ रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर और बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंस माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षा और सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो, गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जोएल ब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका क्लेमे क्लेमेटाइन्स क्रूविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकी स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्ड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोहटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड़ से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हवाड़ की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावर्ड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से और हैरान है और दूर, दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बेरिस बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया कि कैट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरीवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हॉवर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया एकिन के रूप में डेविड ने किरदार निभाया हालिस मर्जविया के रूप में डिएट्रिक ओकोनिक निभायान ने किरदार निभाया थॉमस रयानफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिश के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी बिसमुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की उपस्थित स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फेस कौन्फ। ऑफ द एं। एंजर्स एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण फमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन, परिवन, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलों को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई गई यादों को सुन संद भ्रमित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलिक्सन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एब का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्रकृति का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेखा कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षा और सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो गोड्री के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और कोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका क्लेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को में छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है में टाइन को अपनी अंतिम पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उससे उस मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड़ से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हवाड़ की पत्ती आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुबते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से और हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि कैट विंसलैंड ने क्लेमिटिंग क्रंजुसी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरीवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रोब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्ज के रूप में डिएट्रिक ओकोनिक हालिसन ने किरदार निभाया थॉमस निभा रयानफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिस के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पॉप समूह ओई ओई में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी विस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोडरीज से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की उपस्थित स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के सीन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ, ऑफ एंजर, एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई गई यादों को सुन संदर्भित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टल माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीएर ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एबेड का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक केयर रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिससे समीक्षाओं उस सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीसियन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होती है जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेंटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हावार्ड से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हावार्ड की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोएल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पेट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि केट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसीकी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मेरी मैरीवोवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जिविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रोब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्ज मर्जविया के रूप में डिएट्रिक ओकोनिक हालिसिन ने किरदार निभाया थॉमस रयानफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिस के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पोपसहू ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी बिस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोडरीज से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की स्पष्ट स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और बिस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे 12 जून सन उन्नीस सौ अट्ठानवे को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ। ऑफ द एं, एंजर्स एंजर माइंड ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से से आखिरी जिसमें आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो, इस तरह, जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन ना, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और परिणाम कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इर, इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे क्रि, स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहले सही मिटाई गई यादों को सुन। संद कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीएर ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल है दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह की कविता एलोसा टू एब का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेखा कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाए रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने एक 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षाओं सड़क से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक गो गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जोएल ब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइम्स क्रूविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिकी के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकी स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवा्ड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड़ से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हवाड़ की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावर्ड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पैट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुनते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया कि कैट विंसलेंट ने क्लेमिटिंग क्रंजुसी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरीवोवो के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मारजीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हॉवर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रोब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिस मर्ज मर्जविया के रूप में डिएट्रिक ओकोनिक ओकलिन ने किरदार निभाया थॉमस जे रैन के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिश के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस सौ अट्ठानवे में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पोपसहू ओई 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 में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी विस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोड्री से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की स्पष्ट स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के स्वीन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फेस कौन्फ। ऑफ द एंजर्स माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन ना, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और परिणाम कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलों को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई गई यादों को सुन संद भ्रमित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड मूवी के फैक्टो रिव्यूज इंटरनल इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे बिरमपत ने कॉम्पमैन और गोडरी के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलिक्सन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक एलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एब एबेलार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्रकृति का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक गेयर रेखा कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिसे समीक्षा और सदस्य सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो, गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और कोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका क्लेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद ना रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती है और तकनीकीन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होते जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवाड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जोयल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोक में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोटोक में उस उससे मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हावड से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुम्बन करते हुए हावार्ड की पत्ती आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देखती है क्रोधित होकर वह हावड्स को मेरी को सच बताने के लिए कहती और मेरी और हावार्ड को पहले एक संबंध था और मेरी ने उसकी यादें मिटा दी थी निराश मेरी ने लेकुना रिकॉर्ड चुरा लिया और उन्हें जोएल और क्लेमेंटाइन सहित रोगियों को भेज दिया गया जोयल जागता है और क्लेमेटाइन की उसकी यादें मिट जाती है और आवेगपूर्ण मोट मोटोक जाता है जो ट्रेन घर पर क्लेमेटाइन से मिलता है और वे एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो जाते हैं और बोस्टन में जमी हुई चार्ल्स नदी में डेट कर जाते हैं जोएल क्लेमेटाइन को घर ले जाता है और पैट्रिक उन्हें देखता है और यह महसूस करते हुए कि उन्होंने एक दूसरे को फिर से पा लिया जोएल और क्लेमेटाइन अपने लेकुना रिकॉर्ड प्राप्त करते हैं और उनके टेप सुबते हैं और एक दूसरे की कहानी यादों से और हैरान है और दूर दूसरी बार लगभग अलग हो गए लेकिन फिर से प्रयास करने के लिए हिम्मत रखते हैं इस तरह से मूवी को समाप्त हो जाती है और ढालना में देखा गया जोएल बेरिस बैरिस के रूप में जिम कैरी ने किरदार निभाया था और इसके बाद देखा गया है कि कैट विंसलैंड ने क्लेमिटिंग क्रंजुसी के क्ले रूप में किरदार निभाया था और मैरी मैरीवो Swo के रूप में कास्टन डोस्ट ने किरदार निभाया और स्टेन की फिक के रूप में मार्क रफालो ने किरदार निभाया और एली वुड पैट्रिक वर्तज के रूप में किरदार निभाया डॉक्टर हॉवर्ड्स मार्जीविया मार्जिविया के रूप में टॉम क्लिंकसन हावर्ड्स लेकुना ने किरदार निभाया और कैरी कैरी एक्न के रूप में जेन एडम्स ने किरदार निभाया रोब एकिन के रूप में डेविड क्रोन्स ने किरदार निभाया हालिसन ने किरदार निभा रयानफ्रेक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए जोएल बरिश की मां के रूप में डेमोन आयर ने किरदार निभाया नाओमी के रूप में एलिन पोम्पो जोएल बारिस के पूर्व के रूप में किरदार निभाया और विकास में दे उत्पादन और विकास में देखा गया कि इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्टलैंड माइंड की अवधारणा सन उन्नीस में, में निर्देशक मिसेल गोडरी के सह लेखक पियरे के बीच बातचीत हुई थी यह जोड़ी सन उन्नीस के दशक की शुरुआत में फ्रांसी फ्रांसीसी पॉप समूह ओई ओई में गोडरी के ड्रेमिक कैरियर के दौरान मिली थी और दोस्त बन गई थी विस्मुत ने अपने प्रेमी के बारे में एक दोस्त की शिकायत का जवाब में लोगों के दिमाग में कुछ खास लोगों को मिटाने के विचार की कल्पना की जब उसने उससे पूछा कि वह उस प्रेमी को उसकी याद याददाश्त से मिटा देगी तो उन्होंने हाँ कहा बिस्मुथल बिस्मुथ ने मूल रूप से एक कला प्रयोग करने की योजना बनाई थी जिसमें लोगों को कार्ड भोजना शामिल था और यह कहते हुए कि वे जानते थे कि कार्ड के पर्याप्तकर्ता ने उनकी स्मृति से मिटा दिया गया था जब उन्होंने गोडरीज से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से संभव होने का उत्पन्न होने की उपस्थित स्थितियों के आधार पर एक कहानी के रूप में विकसित किया और विस्मत ने अपने प्रयोग के विचार को कभी लागू नहीं किया है गोडरी ने इस अवधारणा के साथ लेखक चार्ली कोफमैन से संपर्क लिया और उन्होंने इसे एक छोटी पिच में विकसित किया जबकि लेखकों को विश्वास नहीं था कि अवधारणा विपणन योग्य थी विचार पर एक छोटी बोली प्रक्रिया शुद्ध हुई और प्रोपोगंडा फिल्म के सीन गोलिन में इसे बारह जून उन्नीस को काम शांत अंकों की रस्सी में खरीदा कोफमैन जो पटकथा लिखने के लिए जिम्मेदार थे तुरंत शुरू नहीं किया इसके बजाय अनुकूल कॉन्फे कौन्फ, ऑफ एंजर, एंजर माइंड और ह्यूमन नेचर का एक काम करते हुए लेखन को निलंबित करने का विकल्प चुना जिनमें से आखिरी जिसमें से आखिरी को गोडरी ने अपने निर्देशक में पहली फिल्म के रूप में निर्देश किया था इस दौरान फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नो नोलन ने अपनी फिल्म मेमेंटो जारी की जो इस तरह जो इसी तरह स्मृति इस से संबंधित है और समानताओं के कारण कोफमैन चिंतित हो गया था उसने परियोजनाओं से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन गोलिन ने उसे पूरा परिवन, परिवन ने किया लेखन के दौरान पिच के स्वाभाविक में कई बार परिवर्तन हुए और कोफमैन को पटकथा लेखन प्रक्रिया के अंतिम स्टूडियो को निपटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अंतिम पटकथा में स्टूडियो को बेच को बेचैन कर दिया कोफमैन फिल्म को थ्रिलर नहीं बनाना चाहते थे और रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेमोरी इरेजर के विज्ञान कथा पहलुओं को काम करना चाह काम करना चाहते थे स्क्रिप्ट लिखते समय उन्होंने भारी संघर्ष करना पड़ा विशेष रूप से दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यादों का दिखना और यादों के प्रति जोएल की प्रक्रिया और यादों के बाहर क्लेमेंटाइन के साथ जोएल की बातचीत और यह तथ्य कि पत्र के बाद दृश्य में पहली सही मिटाई गई यादों को सुन संदर्भित कर सकते थे इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लैस माइंड मूवी के फैक्टोरी इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लैंस माइंड दो की एक अमेरिकी विज्ञान कथा रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे चार्ली कोफमैन द्वारा लिखा गया था जो मिसेल गोडरी द्वारा निर्देशित है और जिसमें जिम कैर कैरी और केट विस्लेंट ने अभिनय किया पीरे ब्रम्पत ने कॉम्पमैन और गोड्री के साथ कहानी बनाई थी फिल्म में कलाकारों की टुकड़ी जिसमें कार्सन डस्ट एंड मार्क रफालो एलिजा वुड्स टॉम विलकसन शामिल हैं दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फिल्म का शीर्षक अलेक्जेंडर पोप द्वारा सन सत्रह सौ सत्रह की कविता एलोसा टू एबेड एबेलार्ड्स का एक उदाहरण है चित्र स्मृति और रोमांटिक प्रेम की प्राकृतिक का पता लगाने के लिए मनोवैज्ञानिक नाटक विज्ञान कथा और एक केयर रेखिया कथा के तत्वों पर उपयोग करता है फिल्म का छायांकन एलिन कुरास द्वारा दिया गया है संपादित ठीक है ओस्कर ओस्कर ड्रे, द्वारा दिए गए संगीत जोन ब्रैंड द्वारा दिए गए उत्पादन कंपनी अनाम सामग्री यह वह है, है। वितरित किया गया फोकस सुविधाएं रिलीज 19 मार्च 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया कार्यक्रम 108 मिनट का देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी और बजट 20 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस पर इसने 74 मिलियन डॉलर तक की कमाई की इंटरनल सनसाइन ऑफ द स्पोर्ट लेंस माइंड माइंड को संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 मार्च 2004 को रिलीज किया गया था जिससे समीक्षाओं उस सार्वभौमिक प्रशंसा मिली विशेष रूप से कथानक पटकथा गो गोडरी के निर्देशन दृश्य शैली के संपादक संगीत स्कोर थीम और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई और गोरी और विसलेट यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही कथानक जो एलब्रिस को पता चलता है कि उसकी अलग रह रही प्रेमिका कलेमे क्लेमेटाइन्स क्रुविंजिस्की ने न्यूयॉर्क शहर की एक फॉर्म लुकेना द्वारा दोनों के बीच लड़ाई के बाद उसकी यादों को मिटा दिया है दिल टूटा और तबाह वह उसकी प्रक्रिया से गुजरने का फैसला करता है तैयारी में वह क्रुविंजिस्की के लिए एक टेप रिकॉर्ड करता है जो उनके अस्थिर संबंधों को यादों को बताता है लेकुनक और कर्मचारी जोएल के अपार्टमेंट में सोते समय उसके मस्तिष्क पर काम करते हुए ताकि वह भाग जाए ताकि वह जाग जाए और प्रक्रिया को कोई याद न रहे एक कर्मचारी पैट्रिक क्लेमेटाइन को देखने के लिए निकलता है उसकी प्रक्रिया के बाद वह उसे बहकाने के लिए एक गाइड के रूप में जोएल और क्लेमेटाइन को याद की यादों का उपयोग कर रहा है जबकि प्रक्रिया जोएल के मस्तिष्क पर चलती और तकनीकी सेन स्टेशन और सचिव मेरी पार्टी करते हैं और करते हैं जोएल्स क्लेमेटाइन की अपनी यादों को फिर से अनुभव करता है क्योंकि वे मिट जाएगी उनकी आखिरी लड़ाई से शुरू होती है जैसे जैसे वे पहले पहुंचता है और खुशनुमा यादें से उसे पता चलता है कि वे उसे भूलना नहीं चाहता है क्लेमेटाइन के उसके मानसिक प्रक्षेपण से पता चलता है कि जोएल उसे उन यादों को में छुपाता है जो उसे शामिल नहीं करती और यह प्रक्रिया को रोक देता है लेकिन स्टेशन लेकिन स्टेन अपने बॉक्स हवाड्स को बुलाता है जो आता है और उसे फिर से शुरू करता है जो एल क्लेमेटाइन को अपनी अंतिम शेष स्मृति पर आता है और जिस दिन वे पहली बार मिले थे मोटोफ में एक समुद्र तट पर जैसे जैसे स्मृति उनके चारों ओर बिखरती है जाती है और क्लेमेटाइन जोएल को मोहटोक में उससे उस मिलने के लिए कहती है जोएल के अपार्टमेंट में जबकि स्टेन बाहर है मेरी हवाड से कहती है कि वह उसके साथ प्यार में है और वह चुंबन करते हुए हवाड की पत्नी आती और गली गली में उन्हें खिड़की से देख